नमस्कार साथियों, मैं गीता श्री, मैं कथाकार हूँ। आज मैं आपसे अपने कहानी संग्रह जो राजपाल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, लेडीज सर्कल के बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना संग्रह दिखाती हूँ, फिर उसके बारे में सारी बातें करूँगी। मेरा संग्रह है लेडीज सर्कल, राजपाल एंड संस प्रकाशन से प्रकाशित मेरा ये कहानी संग्रह लेडीज सर्कल। अब ऐसा क्या है इस किताब में, क्या खास है, क्या है आपके लिए, यही बताने के लिए मैं आज आपके सामने आई हूँ। साथियों, इस किताब की प्रेरणा सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं रहती हूँ महानगर में और मैं बहुत मिस करती हूँ अपने उस लोक को, मेरा लोक जो विस्मृत हो चुका है, जो छूट चुका है बहुत साल पहले। और मैं महानगर की भीड़ भाड़ आपाधापी व्यस्तता में खो चुकी हूँ, इसके संघर्षों में। तो मुझे रह रह के वो टपकती हैं चीज़ें, वो यादें कुतरती हैं मुझे भीतर भीतर। तो मैं शादी ब्याह के मौक़ों पे जाती हूँ गांव में, पर त्योहारों पे तो नहीं जा पाती हूँ, लेकिन शादी ब्याह के मौक़ों पे जाती हूँ। जब जाती हूँ वहाँ तो एक हमारे यहाँ एक कहावत है कि शादी में स्त्रियाँ पागल हो जाती हैं, होली पे मर्द पागल होते हैं, शादी में स्त्रियां पागल हो जाती हैं। तो हमारे शादी ब्याह का इतना ओपन माहौल होता है, इतना खुला माहौल होता है कि शहर के लोग सोच भी नहीं सकते कि कस्बाई स्त्रियां इतनी खुली हैं, कोई पर्देदारी नहीं, खुल के वहां मजाक हंसी मजाक गाली गलौज सब चलता है, बिल्कुल ओपन बातचीत। तो मैं अपने ही शहर, अपने ही कस्बे को, अपने ही गांव को, अपने ही रीति रिवाजों को, अपनी ही संस्कृति को अचरज की तरह देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि इसी दुनिया से मैं निकली हूँ और ये और वहाँ मैं कितनी नकली और खोखला जीवन वहाँ जीती हूँ, एक यथार्थ ये भी है। तो मुझे लगा कि मुझे इन सबको एक कहानी में समेटना चाहिए, इन पर मुझे कहानियां लिखनी चाहिए। और वहां मुझे बहुत कहानियां मिली। मैं उन औरतों के बीच में जब बैठी तो उनकी बातें, उनके सुख दुख, उनके लोक उत्सव, उनके 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 गीत सुने, उनकी बातें सुनी, तो मुझे बहुत कहानियां मिली। और मुझे लगा कि कहानियों के बीच ही तो मैं पली बड़ी थी, लेकिन मैं इन्हें कभी सोचा ही नहीं कि इन्हें लिख सकती हूँ। तो वो उन औरतों से जब मैं मिली जो इतनी बेबाक, जो इतनी खुली, इतनी उन्मुक्त, तो उन स्त्रियों ने मुझे मजबूर किया कि मैं उनकी कथा कहूँ। तो मैं जिनकी कथा नहीं कही जाती है, छूट जाती हैं हमसे वो स्त्रियाँ, मैंने उन कस्बाई और ग्रामीण स्त्रियों की कथा, अनकही कथा लिखी जो इस संग्रह में है, लेडीज सर्कल में। आपको अब आप पूछेंगे कि आपके लिए क्या है इसमें। हम सब की जड़ गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में, हम सब स्मॉल टाउन लोग हैं। तो जब हम छोटे शहरों से आते हैं तो एक खास किस्म की खुशबू छोड़कर आते हैं, आत्मीयता छोड़कर आते हैं, अपने लोग छोड़कर आते हैं, अपना समाज छोड़कर आते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं हम पीछे और अपनी खोज में चले आते हैं वहां से। तो जब आप ये कहानियां पढ़ेंगे इस किताब की, तो आपको वो अपना छुटा हुआ संसार मिलेगा, आपके वो लोग मिलेंगे, वो ग्रामीण स्त्रियां मिलेंगी, वो बातें मिलेंगी, वो रीति रिवाज, वो कल्चर, वो मोहल्ले, वो सब कुछ मिलेगा आपको अगर आप इन कहानियों से गुजरेंगे। तो इस किताब में कुछ अलग, इसलिए मैं कहूँगी ये किताब थोड़ी अलग है क्योंकि इस समय हम सब उत्तर आधुनिक काल में जी रहे हैं और नगरीय बोध की कहानियाँ ज़्यादा है और छूटता जा रहा है गांव भी और छूटता जा रहा है वो संसार भी जिसे हम कथा में दर्ज नहीं करते। मैंने थोड़ा अलग उन चीज़ों को, जो आधुनिक गाँव है, जो बदला हुआ गाँव है, उसको भी लिया, जो मेरे दौर का गाँव था 20 साल पहले का, उसको भी लिया और दोनों को मिलाकर कि तब गांव, तब और गांव अब, लोग कैसे बदले, गांव कैसे बदल के बाजार कैसे वहां घुस गया और कैसे गांव खत्म हो रहे हैं, शहर कैसे उनको लील रहा है। तो इस किताब में आपको भूमंडलीकरण के आतंक से गांव का चरित्र भी बदला, तो बदला हुआ गांव भी आपको दिखेगा इस किताब में। उस कहानियां कस्बाई स्त्रियों की ही नहीं है बल्कि बदलते हुए गांव, उसके भूगोल, उसके चरित्र, उसका सब कुछ है, मुकम्मल कहानियां है इसमें। और आपको एक और जानकारी, चलते चलते एक जानकारी और दे दूं कि इसमें ये किताब अब ई बुक्स में भी आ गई है और ऑडियो बुक भी उपलब्ध है इसका, आप सुन सकते हैं। मतलब अब कहानियां पढ़ ही नहीं सकते, सुन भी सकते हैं। तो आप इन कहानियों को सुने, इन कहानियों को पढ़ें, फिर अपने अपने उस पुराने दौर को याद करें जो आपसे कहीं खो गया है। धन्यवाद, नमस्कार।